बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवलिंग ओमी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं अल्लाह के फजलो करम से आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। महलों के शहर भावलपुर की ये चौथी वीडियो है। इससे पहले गुलजार महल, दरबार महल और बारादरी दरबार महल की वीडियो अपलोड की जा चुकी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। दोस्तों, आज मैं आपको रियासत बहावलपुर के 11वें नवाब मोहम्मद बहावल खान अब्बासी पंजुम की महबूब बेगम के नाम पर तामीर किए गए फरुख महल की तफसील और सैर करवाने जा रहा हूं। इससे पहले आपको बताता चलूं कि रियासत बहावलपुर का शुमार बरेसगीर पाको हिंद की खुशहाल तरीन रियासतों में से होता था। 18वीं सदी के अवाइल से तकरीबन 3 सदियों तक यहाँ के हुक्मरान रहने वाले अब्बासी खानदान ने एक तरफ दारुल खिलाफा बहावलपुर को बनाया और वहाँ महलात और बागात भी तामीर किए, तो दूसरी तरफ कॉलेज, हस्पताल, स्टेडियम, तफरीही मकामात और लाइब्रेरियाँ भी बनवाईं। इनकी तामीरात में कई महल आज भी बहावलपुर शहर और इसके बाहर मौजूद हैं। ये तारीख के उन उराग की मानिन हैं जिनसे कई कहानियां और यादें वाबस्ता हैं। ऐसा ही एक वर्क पलटे तो आपको शहर बहावलपुर के दिल में फरुख महल देखने को मिलेगा। ये महल कंपाउंड में मौजूद दीगर दो महलों के दरमियान वाक़ है। इसकी तामीर जमाना के मशहूर मामार आमिर ने 1905 में एक शाही रिहाइश गाह के तौर पर शुरू की थी। उसने इस महल को दीगर महलात के साथ 1911 में मुकम्मल किया था। ये महल एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, जिसके मशरिक और मगरिब में खूबसूरत बागात और चबूतरे बनाए गए थे, जो काफ़ी हद तक आज भी कायम हैं। इस महल को दूसरे महल से मुख्तलिफ बनाया गया है। वैसे तो सारे महल इस्लामी, हिंदुस्तानी और यूरोपी तर्ज तामीर के शाहकार हैं, लेकिन इस महल का डिज़ाइन मुख्तलिफ नौइयत की होने की बिना पर इसकी पहचान दूसरे महलों से अलग है, जो 19वीं सदी के फन्ने तामीर का नादर नमूना है। इस महल को देखते वक्त आपको दुख जरूर होगा, क्योंकि इसकी हालत बाकी महलों से खराब है, लेकिन अब्बासी दौर की याद और रियासत बहावलपुर के विरसा के तौर पर ये महल आज भी महफूज है। महल की हालत और बाकियात की वीडियो देखने के बाद यकीनन आपको भी मेरी तरह दुख होगा। रियासत बहावलपुर के तारीखी मकामात पर मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल ट्रैवलिंग ओमी को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की फौरी इत्तला आपको बरवक्त मिल सके। बहुत शुक्रिया। मजीद वीडियोस में आप खुद मुलाहिजा करें।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल ट्रैवलिंग ओमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।